नमस्कार, मैं अंकित दीप, वैज्ञानिक डेयरी अभियांत्रिकी प्रभाग, आज आपके सामने एक शोध पत्र प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है लगातार खोआ बनाने वाले यंत्र हेतु स्थान में सफाई प्रणाली का कार्यात्मक मूल्यांकन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सफाई एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी खाद्य पदार्थ बनाने वाले उपकरण हेतु सफाई की प्रक्रिया खाना बनाने से पहले तथा बाद में बहुत ही आवश्यक है। अंग्रेजी भाषा में इसको क्लीनिंग इन प्लेस के रूप में हेतु जाना जाता है, जिसको संक्षिप्त में CIP कहते हैं। लगातार को बनाने वाले यंत्र के रूप में डेयरी अभियांत्रिकी विभाग में एक उपकरण है जिसका प्रयोग करके खोआ बनाया जाता है, और इस उपकरण की सफाई हेतु एक CIP प्रणाली का विकास किया गया है। इसी CIP प्रणाली का कार्यात्मक मूल्यांकन करने हेतु यह शोध किया गया। इस शोध में दो उद्देश्य रखे गए। पहला, लगातार खोआ बनाने वाले यंत्र के लिए CIP को प्रभावित करने वाले कार्यात्मक प्रतिक्रियाओं का आंकलन करना, तथा दूसरा, लगातार खोआ बनाने वाले यंत्र के उपयोग द्वारा CIP प्रणाली का कार्यात्मक मूल्यांकन कर। इसके लिए विधिवत लगातार खोआ बनाने वाले यंत्र की CIP हेतु प्रवाह आरेख के रूप में दिए गए हैं का प्रयोग कर CIP किया गया। इस शोध के लिए प्रायोगिक योजना के लिए कुल 20 परीक्षणों का आयोजन किया गया, तथा सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए प्रतिक्रिया सतह पद्धति, जिसको अंग्रेजी भाषा में RSM कहते हैं, द्वारा द्विघात मॉडल का उपयोग करके मूल्यांकन किया गया। इसमें 3 प्रक्रिया मापदंड को स्वतंत्र चर के रूप में 3 स्तरों पर लिया गया, जो कि लाई सांद्रता, तापमान तथा स्क्रैपर गति थे। फिर 4 प्रतिक्रियाएं प्राप्त किए गए जो कि आश्रित चर थे, जो कि थे लाई समय, कुल CIP समय, कुल प्लेट काउंट तथा कोलिफॉर्म काउंट। चित्र 2 में हम देख सकते हैं CIP प्रणाली तथा लगातार खोआ बनाने वाला यंत्र। इस शोध को करने के बाद हमें जो परिणाम मिले उनकी चर्चा हेतु हमने स्रोतों के संबंध में प्रतिक्रियाओं के F मान ज्ञात किए, जो कि ANOVA परीक्षण से ज्ञात किए। इससे हमने पाया कि चारों प्रतिक्रियाएं द्विघातीय मॉडल में महत्वपूर्ण पाई गई, तथा 3 प्रक्रियाएं मापदंड ज्यादातर चारों प्रतिक्रियाओं हेतु महत्वपूर्ण थे। इन चारों प्रतिक्रियाओं के लिए प्रतिक्रिया सतह आरेख भी विकसित किए गए और कुछ समीकरणें भी ज्ञात किए गए, जिससे कि हमने पाया कि लाई समय, कुल CIP समय, कुल प्लेट काउंट तथा कोलिफॉर्म काउंट किस तरह इन 3 स्वतंत्र चरों पर निर्भर करते हैं, और पाया कि यह समीकरणें महत्वपूर्ण रूप से अच्छा स्तर R² का ला पा रही है। अनुकूलन तथा प्रमाणीकरण भी किया गया है, और उससे हमने अनुमानित मूल्यों की तुलना टी टेस्ट तथा परसेंट टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए प्रायोगिक मानों से किया, तथा पाया कि दोनों अच्छे समझौते में थे, अतः मॉडल का अनुकूलन पर्याप्त प्रमाणित। निरंतर खोआ बनाने वाले यंत्र की सफाई के लिए अनुकूलित प्रतिक्रिया मापदंड के मान सांद्रता 0.85%, तापमान 72.7°C तथा स्क्रैपर गति 150 चक्कर प्रति मिनट प्राप्त हुए, जिस पर इष्टतम CIP प्रक्रिया हुई। अनुमानित मानों की तुलना टी टेस्ट द्वारा प्रायोगिक मानों से की गई और महत्वपूर्ण पाया गया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि अनुकूलन पर्याप्त था। धन्यवाद।